नमस्कार आदाब शशियाकाल आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षावास पर तो जैसा कि गाइज़ आप लोग जानते हो कि हर दिन हम आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर के आते हैं जिसमें जीएस के एम आपको मिलते हैं एम होता है उसका एक्सप्लेनेशन होता है तो एक और सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ और चलिए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल का क्यू है इंस्टाग्राम पर आप परीक्षावास को फॉलो कर लीजिए और ये टेलीग्राम चैनल का क्यू आर है जहाँ पर टेलीग्राम चैनल जो है हमारा अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो जो भी कंटेंट है जो भी पी होते हैं लिंक्स होते हैं वीडियोस होते हैं इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं ठीक है तो टेलीग्राम चैनल को आप सब लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना डिस्कशन जो हैं उन पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने अरेन्ज दीम्स लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी कोर्ट्स गिवेन बिलो कौन कौन सी स्कीम्स हैं सुकन्या समृद्धि योजना है फिर उसके बाद अटल पेंशन योजना है तीसरा मेक इन इंडिया है और चौथा है प्रधानमंत्री जनधन योजना तो इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है अरेंज करना है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा भाई सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सुकन्या समृद्धि योजना ये आपकी कब लॉन्च गई 22 जनवरी 2015 को इसके बाद देखोगे अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को आती है फिर आप देखोगे मेक इन इंडिया आपका लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को और प्रधानमंत्री जनधन योजना को अगर आप देखोगे तो यह आती है आपकी 15 अगस्त 2014 को यानी कि सबसे पहले आपकी जनधन योजना आ जाएगी फिर मेक इन इंडिया आ जाएगा फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका सुकन्या समृद्धि योजना आ जाएगी और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपकी अटल पेंशन योजना आ जाएगी तो यह पूरा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर यानी कि आई एम आर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने का लक्ष्य रखा गया था मतलब कितना कम करने का लक्ष्य रखा गया है द टारगेट टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग 11th प्लान पीरियड वाज केप्ट एट तो क्या था 27 पर थाउजेंड लाइव बर्ड्स 28 पर थाउजेंड लाइव बर्ड्स 29 पर थाउजेंड लाइव बर्ड्स या फिर 30 पर थाउजेंड लाइव बर्ड्स तो अब इस क्वेश्चन के आंसर पर अगर हम चलें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है बी है देखिए 11वीं जो हमारी पंचवर्षीय योजना है उस दौरान आईएमआर का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 28 ठीक है 28 उसके बाद अगर आप देखोगे जो हमारी बारहवीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 2012 से 2017 तक ठीक है इस दौरान अगर आप देखोगे तो इसे हर साल लगभग लगभग 12 कम करने की बात की बात गई थी कि हर साल कितना कम किया जाएगा लगभग 12 प्रतिशत जो है वो इसे कम किया जाएगा तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा ठीक अब चलते हैं अगले सवाल पर देखिए एक तरफ बोरा मिस्ट्रल खमसिन और दूसरी तरफ क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं ये सब क्या है आपकी स्थानीय पवने हैं और दूसरी तरफ क्षेत्र हैं कि कहां पर प्रवाहित होती है आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है विच वन ऑफ इज नॉट करेक्टली मैच्ड चलते हैं क्वेश्चन के उत्तर पर उत्तर अगर आप देखोगे तो सी है यानी जो है इसमें सही तरीके से मैच जो है करेक्टली मैच नहीं है देखो फोन की अगर बात करोगे तो फोन एक गर्म और शुष्क एक कह सकते हो पवन है और ये कहाँ पर चलती है आल्प्स के क्षेत्र में चलती है ठीक है बोरा की बात करोगे एक ठंडी हवा है और ये ठंडी हवा आप देखोगे ये कहाँ पर चलती है तो जैसे यहां पर हम देखेंगे बोरा पोलैंड मतलब एड्रियाटिक सागर का जो तटवर्ती इलाका है ना वहां पर आपको यह देखने को मिल जाएगी ठीक है तो बोरा को आप देखोगे एड्रियाटिक सागर के पूर्वी हिस्से में यहां पर प्रवाहित होती है खमसिन की बात करोगे तो खमसिन जो है ये मिस्र के इलाके में प्रवाहित होती है मिस्र के रीजन में फ्लो करती है ठीक है और इसके अलावा अगर आपका देखा जाए ठीक है मिस्ट्रल जो है मिस्ट्रल आपको कहां पर देखने को मिलेगी दक्षिणी फ्रांस में देखने को मिलेगी सदन फ्रांस में देखने को मिलेगी जो गल्फ ऑफ लियोन का क्षेत्र है गल्फ ऑफ लियोन लियोन की खाड़ी का जो क्षेत्र है वहां पर आपको यह पवन जो है वो देखने को मिलती है चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकेले देश की सत्तर प्रतिशत से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है विच ऑफ दूस मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ कॉफी ऑफ कंट्री अलोन तमिलनाडु केरला महाराष्ट्र कर्नाटका इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा देखिए आंसर पर अगर चलें डी यानी के आंसर होगा आपका कर्नाटका अब देखो कर्नाटक में ध्यान रखना भारत में ज्यादातर जो कॉफी का उत्पादन होता है अगर कॉफी के उत्पादन की बात की जाए तो ज्यादातर कॉफी उत्पादन जो है वो दक्षिणी राज्यों में होता है ठीक है इसमें अगर देखोगे सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कर्नाटक का है जो और तमिलनाडु को देखोगे तो पांच प्रतिशत का योगदान यानी कि कॉफी उत्पादन पर अगर सवाल पूछा जाता है तो इन तीन राज्यों को आप लोगों को याद रखना है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पर आते हैं नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है इन विच स्टेट दी नेलोंग वैली इज लोकेटेड हिमाचल सिक्किम उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर ठीक है इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो आंसर है आपका डी नेलोंग वैली अगर आप देखोगे तो ये कहां पर है उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है और नीलोंग घाटी को फिर से पर्यटकों के लिए क्या कर दिया गया है खोल दिया गया है 1962, 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी भारत चीन का युद्ध हुआ था और भारत चीन के युद्ध के बाद इस घाटी को नागरिकों के लिए क्या कर दिया गया था बंद कर दिया गया था ठीक है इसे दोबारा से खोला गया तो याद रखिएगा निलोंग घाटी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है ओके अगला क्वेश्चन हमारा आ गया देखो एक तरफ माउंटेन पास है यानी कि दर्रे हैं और दूसरी तरफ राज्य है माना नाथूला जोजिला और शिपकीला और आपसे कहा है दूसरी तरफ राज्य हैं आपको क्या करना है मैच करना है ठीक है हिंदी में भी आप देख सकते हो तो एक तरफ दर्रे दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपके जो स्टेट है वो दे रखे हैं अब बड़ा सिंपल है इसमें देखिए नाथुला को अगर आप देखोगे कहां पर है सिक्किम में हम सब लोग जानते हैं ठीक है माना को अगर आप देखोगे तो माना आपका उत्तराखंड में देखने को मिलेगा इसके बाद अगर हम शिपकीला की बात करें तो शिपकीला हमारा कहां पर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा और जोजीला की अगर बात करोगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा तो इस तरीके से इन सारे पास को हमने कनेक्ट किया आंसर याद रखिएगा आपका सी इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन नंबर सेवन पर आ जाते हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है ठीक है नवीनतम आपसे पूछा गया है देखिए विंध्यन कुडप्पा धारवाड़ या फिर गोंडवाना अगर हम इन सभी आ, बात करें जो भारत के अंदर जो चट्टाने मिलती हैं उनमें क्रोनोलॉजी की अगर बात करोगे ठीक है तो क्रोनोलॉजी में आप देखिए आर्कियन सबसे पुरानी है ठीक है उसी में आपकी जो अरावली पर्वत का इलाका है अरावली में अरावली आप क्षेत्र की जो चट्टाने उनकी बात करोगे फिर उसके बाद आप देखोगे तो भाई अः कुडप्पा आपका आ जाएगा विंध्यन आ जाएगा धारवाड़ आ जाएगा इन सब में अगर हम देखें तो सबसे बाद में बनने वाली जो है वो गोंडवाना चट्टाने हैं ठीक है गोंडवाना चट्टानों को याद रखिए गोंडवाना के बाद अगर आप देखोगे तो आपको टर्शरी युग की चट्टाने देखने को मिल जाएंगी और क्वाटरनरी युग की चट्टाने जो है वो देखने को मिलेंगी तो सेवन का आंसर आपका क्या हो जाएगा डी ठीक है और गोंडवाना में ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत की गोंडवाना चट्टाने वो चट्टाने हैं जिनमें आपको क्या देखने को मिलता है कोयला ठीक है भारत का ज्यादातर जो कोयले के भंडार हैं कोल रिजर्व हैं वो किसमें मिलते हैं गोंडवाना में मिलते हैं, हैं। धारवाड़ को भी याद रखिएगा धारवाड़ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि धारवाड़ में आपको क्या देखने को मिलता है लोह अयस्क देखने को मिलता है यानी कि आयरन ओर देखने को मिलता है ठीक है सारी चीजें इंपॉर्टेंट है चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह की ओर जाता है विच ऑफ लीड्स टू लेह जोजिला चुंबी वैली शिपकीला या फिर बनिहाल ठीक है इन सभी दर्रों को अगर आप देखोगे भाई चुंबी घाटी चुंबी वैली की अगर बात की जाए कि ये कहां पर है ठीक है चुंबी वैली को अगर आप देखोगे तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी ये आपको सिक्किम के साइड देखने को मिल जाएगी शिपकिला अगर आप देखोगे तो शिवकिला आपको कहां पर मिलेगा हिमाचल में सतलज नदी से प्रवेश करती है बनिहाल की बात करोगे तो पीर पंजाल और बनिहाल ऐसे दर्रे हैं जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करते हैं जोजीला अगर आप देखेंगे यानी मान लीजिए आप श्रीनगर में हैं और श्रीनगर से आप कारगिल और कारगिल से होते हुए आप लेह जाना चाहते हो तो इस दौरान आपको जोजिला दर्रा जो है वो देखने को मिल जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर आपका क्या हो जाएगा जोजिला श्रीनगर कारगिल लेह जो, ले जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो इससे होकर के गुजरता है ओके क्वेश्चन नंबर नाइन पर आते हैं देखिए एक तरफ केंद्र दे रखे हैं मकुम है डल्ली राजहरा है कोरापुट है और चित्रदुर्ग है और दूसरी तरफ खनिज दे रखा है लोयस कोयला मैंगनीज बॉक्साइड हमें क्या करना है मैच करना है ठीक है इंग्लिश में भी देख लीजिए तो माकुम दे रखा है डल्ली राजहरा दे रखा है कोरापुट दे रखा है चित्रदुर्ग दे रखा है ठीक है मैच करना है इसको सबसे पहले अगर हम बात करें माकुम की तो माकुम को आप किससे कनेक्ट करोगे कोल से यानी कि ए का सही जो मैच है वो क्या है टू है अब अगर ए का सही मैच हमें पता है टू है तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाता है बी हो जाता है ठीक है आंसर आप देखोगे बी है अब इसका मतलब ये हुआ कि डल्ली राजहरा को अगर आप देखोगे तो लोहयस के लिए प्रसिद्ध है ठीक है कोरापुट की अगर बात की जाए तो कोरापुट आपका आ जाएगा बॉक्साइट के लिए कोरापुट ओडिशा में अगर आप देखोगे माकुम जो है असम में है डल्ली राजहरा अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा ठीक है कोरापुट को अगर आप देखोगे तो बॉक्साइड के लिए और चित्रदुर्ग जो है वो किसके लिए हो जाएगा आपका मैंगनीज के लिए हो जाएगा तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है मिनरल बेस्ड क्वेश्चन आप देखते हो पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा इसको क्वेश्चन नंबर टेन पर चलते हैं भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दाइएस्ट पीक ऑफ इंडियन इज ठीक है कह रहा है कर, ठीक है अनाईमुडी डोडा बेटा या फिर महाबलेश्वर अब इन सभी चोटियों की अगर बात की जाए और पूछा जा रहा है कि भाई सबसे ऊंची चोटी प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है महाबलेश्वर अगर आप देखोगे तो ये भी आपका सहयाद्री में है एक काफी इंपॉर्टेंट पीक है फेमस पीक है महाबलेश्वर को देखोगे महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वर की खासियत यह है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध आपका हिल स्टेशन है ठीक है अगर हम दोदा बेटा की बात करें तो दोदा बेटा आपको कहां पर देखने को मिलेगी नीलगिरी पहाड़ियों में देखने को मिलेगी नीलगिरी पहाड़ियां भी पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है और दोदा बेटा के बारे में ध्यान रखेंगे कि दोदा बेटा आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अगर हम दक्षिण भारत की बात करें या पेनिनसुलर इंडिया की बात करें और अनाई मुडी की अगर बात करोगे तो अनाई मुडी के बारे में ध्यान रखना है कि ये आपकी पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक है यानी कि सबसे ऊंची चोटी है कौन सी पहाड़ियों में है ये भी ध्यान रखेंगे तो ये आपको अन्ना मलाई पहाड़ियों में देखने को मिल जाती है अन्नामलाई हिल्स में ठीक है तो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया टेन ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ध्यान रखिएगा ठीक टू सिक्स नाइन फाइव मीटर दो हजार छह सौ पिचानवे मीटर है ठीक है केरल के इडुक्की जिले में स्थित है ध्यान रखना है इस चीज को क्वेश्चन नंबर इलेवन पर चलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में ट्यूबवेल सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है इन विच ऑफ द एरिया अंडर ट्यूबवेल इरिगेशन इज हाईएस्ट ऑप्शंस में दे रखा है बिहार हरियाणा यूपी और पंजाब तो अगर हम इस सवाल का उत्तर देखें कि भाई कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ट्यूबवेल इरिगेशन well का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है तो इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हम कुओं की बात करें जो वेल्स हैं और अगर आप ट्यूबवेल्स की बात करोगे तो ये प्राचीन काल से ही भारत में सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली रही है यूपी में अगर आप देखोगे तो ट्यूबवेल सिंचाई है ना ट्यूबवेल इरिगेशन के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो किसमें है यूपी में है इसके बाद राजस्थान एम पी पंजाब का नंबर आता है ठीक है ठीक है तो ये याद रखिएगा राजस्थान हो गया एमपी हो गया पंजाब हो गया गुजरात है महाराष्ट्र है बिहार है इन सभी राज्यों का नंबर आता है लेकिन सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसमें देखने को मिलता है यूपी में देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पर चलते हैं जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई थी फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लोग रोग करिए इसका उत्तर अगर देखोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा ए यानी के ध्यान रखेंगे के पहला जो नेशनल एक्शन प्लान था क्लाइमेट चेंज का जो कि जलवायु परिवर्तन से मिटिगेशन के लिए एडेप्टेशन के लिए लाया गया था ठीक है वो कब 30 जून 2008 को ठीक अनाउंस किया गया ओके गय? और बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक्शन प्लान क्या करता है कई सारी स्टेप्स को आउटलाइन करता है ठीक है जिससे कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है और जो आ, एक कहोगे आपका जो जलवायु परिवर्तन संबंधित चीजें हैं उनको क्या किया जा सके उनको टैकल किया जा सके अब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये कई सारी आ, मतलब ऐसी चीजें बताता है जो हमें करनी है और इसके अंतर्गत आठ मिशन आते हैं अब वो आठ मिशन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। याद रखना है आपको जैसे नेशनल सोलर मिशन आ जाएगा आपका नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी आ जाएगा फिर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट होगा नेशनल वाटर मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है ग्रीन इंडिया मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और नेशनल मिशन ऑन ए स्ट्रेटेजिक आप कहोगे स्ट्रेटेजिक नॉलेज स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज तो ये सारे के सारे आठ मिशन जो हैं वो इस नेशनल एक्शन प्लान में क्या किए जाते हैं इंक्लूड किए जाते हैं ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है 2008 में आया है और कितने मिशन को इंक्लूड करता है आठ मिशन करता है पूछा जा सकता है आपसे ये अगले क्वेश्चन पर चलते हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सातवां भाग है विच वन ऑफ दार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थोरी ऑफ स्टेट जनपद ठीक है दुर्ग मित्र या फिर कोश पूछा गया है आपसे अगर आप देखोगे तो सी इसका आंसर है राज्य का सप्तांग सिद्धांत जो है वो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें दिया गया है ठीक है और कौटिल्य अर्थशास्त्र में राज्य को पहली बार माना गया कि भाई सात तत्वों से मिलकर के बनता है सात तत्वों परिभाषित किया गया ठीक है मनुस्मृति में मनु राज्य की सात प्रकृतियों जैसे राजा मंत्री राजधानी क्षेत्र खजाना सोना सहयोगी इन सब का वर्णन करते हैं कौटिल्य के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक राज्य के सात तत्व या घटक होते हैं कौन कौन से आप देखोगे राजा ठीक है अमात्य मंत्री जनपद भूमि ठीक है प्रजा दुर्ग या फिर किला कोष आप कह सकते हो दंड यानी कि सेना और मित्र यानी कि सहयोगी तो ये सब हो जाएंगे यानी कि राजा हो गया मंत्री हो गया भूमि हो गया ठीक है प्रजा फिर आपका दुर्ग है ओके कोष हो जाएगा सेना हो जाएगा और मित्र हो जाएगा इन सबको सात तत्व माना गया है ध्यान रखिएगा ओके आगे चलते हैं प्रारंभिक ऋग वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी इन दी अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड वाज दी व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी भूमि गाय महिलाएं या फिर पानी तो इसमें अगर आप देखोगे भाई ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड की बात हो रही है तो इस समय पर अगर हम देखेंगे उत्तर जो है आपका कि इस काल में भूमि स्त्री जल आदि की अपेक्षा गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था उस समय पर अगर आप देखोगे तो आदान प्रदान का माध्यम भी था यानी कि एक्सचेंज के लिए भी इसे यूज किया जाता था ठीक है और ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गायों को देव यानी के माता का रूप भी माना गया है ठीक है तो ऋग्वेदिक काल में अगर आप देखोगे गाय का महत्व काफी ज्यादा था उस टाइम पर और उसे एक मूल्यवान संपत्ति माना जाता था ओके क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्टीन हमने देख लिया चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पर निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया था हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया था आउट ऑफ दॉलोइंग परफॉर्म्ड और रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भ ऑप्शन में क्या क्या है मयूर शर्मण है चंद्र है दंति दुर्ग है या फिर हर्ष है ठीक है तो इस सवाल को अगर हम देखेंगे भाई हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान निम्न में से किसने किया था तो चलिए आप चलते हैं इसके आंसर पर आंसर अगर आप देखोगे कि दंति दुर्ग इन्होंने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका और हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया यानी कि इसमें आंसर अगर आप देखोगे तो दंती दुर्ग जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ठीक है अब हिरण्य गर्भ का जो अर्थ है उसका अर्थ है स्वर्ण गर्भ ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो बलिदानी को क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे भले ही वे जन्म से क्षत्रिय ना हो ठीक है तो मतलब अगर कभी भी ये सवाल पूछा जाए ठीक हिरण्य गर्भ तो हिरण्य गर्भ का अर्थ क्या हो जाएगा स्वर्ण गर्भ हो जाएगा ठीक है ब्राह्मणों को दान किए गए स्वर्ण बर्तन का प्रतीक होता है और भगवान विष्णु को भी संदर्भित करता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर मुगल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी किसे अंग्रेज खान की उपाधि दी थी अल्बुकर को फ्रांसिस्को अल्मेडा को विलियम हॉकिन को या हेनरी दी नेविगेटर को ठीक है मुगल एम्पर जहांगीर गेव टाइटल इंग्लिश खान टू किसे उपाधि दी गई थी चलिए उत्तर पर चलते हैं उत्तर आपका आ जाएगा सी यानी कि सर विलियम ठीक है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि 24 अगस्त 1608 को भारत के सूरत में लंगर डालने वाले आप कहोगे कंपनी के जहाज हेक्टर के कमांडर थे ठीक है तो इन्हें जहांगीर ने क्या कहा था इंग्लिश खान कहा था अंग्रेज खान कहा था ठीक है ध्यान रखिएगा बाद में इन्हीं अंग्रेजों ने जाकर के ठीक है मतलब पूरे के पूरे इंडिया को अलग टाइप का खान बना दिया ठीक क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पर चलते हैं दक्षिण भारत के पॉलीगर कौन थे हु पॉलीगर ऑफ साउथ इंडिया पहला है ऑर्डिनरी जमींदार साधारण जमींदार दूसरा आ गया आपका महाजन ठीक है तीसरा आ गया प्रादेशिक प्रशासनिक और सैन्य गवर्नर और चौथा आ गया आपका नए समृद्ध व्यापारी तो ये कौन थे अगर हम इनके बारे में बात करें चलते हैं इस सवाल के उत्तर पर के सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आंसर है आपका सी ठीक है आंसर आपका सी है पॉलीगर अगर देखोगे तो एक फ्यूडल टाइटल था ठीक है फ्यूडल टाइटल था और किसे दिया जाता था फॉर अ क्लास ऑफ टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री गवर्नर्स यानी कि आप कह सकते हो कि वहां पर दक्षिण भारत के आप कहोगे जो प्रशासनिक और सैन्य राज्यपाल होते थे उनको दी जाने वाली एक सामंती उपाधि थी ठीक है पॉलीगर की अगर भूमिका देखोगे तो गढ़ वाले केंद्रों से उनके पलायम का प्रशासन करना था उनके मुख्य कार्य कर एकत्र करना कानून और व्यवस्था बनाए रखना स्थानीय न्यायपालिका चलाना और राजा के लिए सैनिकों की एक बटालियन बनाए रखना ये सब उनके काम होते थे ठीक है तो पॉलीगढ़ जो है वो आप याद रखोगे प्रशासनिक और सैन्य जो राज्यपाल होते थे उनके लिए ये उपाधि दी गई थी क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं 1924 में बंगाल का बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 इन बंगाल वाज़ अगेंस्ट मंदिरों में भ्रष्टाचार करप्शन इन टेम्पल्स दूसरा कह रहा है हिंसा वायलेंस तीसरा कह रहा है राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स और चौथा है सांप्रदायिकता यानी के ठीक है तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया अब चलते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका उत्तर क्या होगा देखिए उत्तर अगर आप देखोगे 1924 का जो तारकेश्वर आंदोलन है ठीक है ठीक ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं सदी के बंगाल में एक सार्वजनिक घोटाले को संदर्भित करता है ठीक है बंगाली समाज में महंत के कृत्य को दंडनीय और अपराधिक माना और जबकि नोबिन के दुष्ट पत्नी की हत्या के कृत्य को उचित ठहराया ठीक है तो यानी कि अगर हम इसमें देखें तो ए है यानी कि मंदिरों में भ्रष्टाचार को लेकर के 1924 का बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन था वो किससे जुड़ा हुआ है मंदिरों में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है ठीक है आंसर आपका ए हो जाएगा इसका चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका उन्नीस में जारी दीपावली घोषणा किससे संबंधित थी the दीपावली डिक्लेरेशन इशूड इन दी इटीन ट्वेंटी नाइन वॉज रिलेटेड टू सांप्रदायिक समस्या यानी कि कम्युनल प्रॉब्लम दूसरा कह रहा है प्रभुत्व की स्थिति यानी कि डोमिनियन स्टेटस ओके तीसरा कह रहा है श्रमिक नेता यानी कि लेबर लीडर्स और चौथा अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी ठीक है दीपावली घोषणा की बात हो रही है तो दीपावली घोषणा की बात अगर आप करोगे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका बी है 1929 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान है ना लॉर्ड इरविन का जो समय था उस टाइम पर साइमन कमीशन के ठीक बाद 1928 में एक घोषणा थी ठीक है दीपावली घोषणा भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेटस का दिखावा मात्र था मतलब ऐसा कहा गया कि भाई डोमिनियन स्टेटस जो है वो दे दिया जाएगा तो आप जो है मतलब ये जो ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे हैं वो ना करें ठीक है अक्टूबर उन्नीस में वायरस, वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की घोषणा की थी ये एक अस्पष्ट बयान था जिसमें अनिर्दिष्ट भविष्य में डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव किया गया था इसमें भविष्य के संविधान पर चर्चा के लिए एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया लेकिन इन प्रावधानों से कांग्रेस नेता जो है वो संतुष्ट नहीं हुए थे तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका दीपावली घोषणा है दीपावली डिक्लेरेशन है वो डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड था लॉर्ड इरविन के टाइम का था ये चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के शासन काल में नहीं हुआ था दिल्ली का लाल किला आगरा किला इलाहाबाद किला या फिर लाहौर किला ठीक है सवाल पूछ रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग फोर्ट वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन दिन ऑफ अकबर रेड फोर्ट ऑफ डेली आगरा फोर्ट इलाहाबाद फोर्ट या फिर लाहौर फोर्ट चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर है ए दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला ठीक है अगर आप देखोगे लाल पत्थर से बना हुआ है ठीक है इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने ठीक है शाहजहां ने बनवाया था आगरा से उन्होंने आप कहोगे कि अपना शासन जो है वो दिल्ली स्थानांतरित किया और निर्माण कराया ठीक है 1618 में इसकी आधारशिला जो है वो रखी गई थी तो लाल किले को याद रखिएगा कि लाल किला किसने बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था ठीक है तो ये 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने इस सेशन में कवर किए फटाफट आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ओके और जो एक्सप्लेनेशन है उस एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा ओके लास्ट में एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं जितने भी लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है डू फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम ओके okay, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी की सारी जानकारी पूरा कंटेंट सब कुछ आपको कहां पर मिलता है परीक्षावास के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलता है लास्ट में आप लोगों से कहूंगा अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा कॉमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा और इसी तरीके से अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब इट ठीक है आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में टिल देन सब लोग ध्यान रखें स्वस्थ रहें मस्त रहें, खुश रहें बाय बाय टेक केयर एवरीवन जय जै भारत जय हिंद